प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय किसान संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर किया है प्रदर्शन। वह रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों के हित में भारतीय किसान संघ के बैनर तले सोमवार को 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ लामबंद होकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही सरकार बने लगभग 4 वर्ष पूरे होने के बाद भी कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2 वर्ष का बोनस दिए जाने को याद दिलाया गया। वही संघ के पदाधिकारियों द्वारा लगातार प्रदेश भर में किए जा रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसान और व्यापारियों के बीच भेद करवाया। साथ ही कहा कि घोषित सिंचाई योजनाएं अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। प्रदेश के पानी पर आज भी उद्योगों का अधिक अधिकार है। ऐसे में किसानों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। खाद की खुलेआम कालाबाजारी होना, नामांतरण, फौतनामा एवं राजस्व के छोटे से छोटे कार्य में होने वाले भ्रष्टाचार किसानों के साथ शोषण नहीं तो क्या है। इन्हीं सब विषयों को लेकर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसानों की प्रमुख मांग ये है कि उत्पादन में जो लागत खर्चा है उसके हिसाब से लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। ये हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग कर रहे हैं और इसके लिए 19 दिसंबर को एक अपना किसानों का दिल्ली में पूरे देश भर के किसान वहाँ एकत्रित होंगे और एक रैली होगी जिसका नाम है किसान गर्जना रैली, जिससे शासन के अवगत कराया जाएगा कि किसानों का जो उत्पादन है उसका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। 29 प्रकार के पूरे देश में किसानों का उत्पादन होता है जिसमें सरकारें ये समर्थन मूल्य घोषित करती है। समर्थन मूल्य का मतलब है मिनिमम कम से कम दर में खरीदने का, परंतु ये सरकार खरीदती नहीं है और व्यापारियों को सपोर्ट करती है। सिर्फ 2 महीने खरीदती है सरकार और 10 महीने व्यापारी लोग किसानों के धान को यानी अपने 1000 रुपये और 1200 रुपये कुंटल में खरीदती है। इस प्रकार से ये सरकार किसानों की नहीं व्यापारियों की सरकार बन गई है। व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। चाहे छत्तीसगढ़ देखो, चाहे दिल्ली में देखो, कहीं पर भी देखो, ये किसानों का शोषण करने वाली सरकार है। ये किसानों का लाभ नहीं पहुँचा रही है। कृषि क्षेत्र में बिजली की कटौती, मनमर्जी शहरों की बिजली कटौती नहीं होती मगर गवर्नमेंट खरीदती ही नहीं। 1000, 1200, 1300 रुपए कुंटल में बेचने के लिए किसान मजबूर होता है। क्या चाहते हैं आप, मतलब सरकार से क्या चाहते हैं? चाहते हैं ये कि लाभकारी मूल्य दे, किसान के उत्पादन को पूरा खरीदे और लाभकारी मूल्य दे, क्योंकि जो हम पैदा करते हैं उसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है इसको काउंट करना चाहिए। उसमें कम से कम 10% लाभकारी अगर जोड़ें तो कितना 3000 हो जाता है और 3000 में गवर्नमेंट कितना दे रही है, 2000, उसमें भी सिर्फ 2 महीने के लिए, बाकी 2 महीने खरीदती है नवंबर दिसंबर, उसके बाद किसान 10 महीने व्यापारियों को। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।